दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए टीजीटी पीजीटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। तो स्टार्ट करते हैं इस प्रश्न को। 51 से लेकर के आगे के प्रश्न होंगे, इसके पहले के प्रश्नों को हल करवाया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, नटराज की मूर्ति की ऊँचाई कितनी है? नटराज के 2.6 बटे 1 इंच 26 सेंटीमीटर, 3.6 बटे 8 इंच 8 इंच कितना है? तो इसमें से जो प्राप्त हुई है नटराज की मूर्ति हड़प्पा से, एक पत्थर की मूर्ति पुरुष प्रतिमा की जो प्राप्त हुई है, उसमें जो इसकी ऊंचाई है ये है 3.7 बटे 8 इंच। तो ये प्राप्त हुई है कितना है? 3.7 बटे 8 इंच, जो कि यह जो आपका चारों ऑप्शन दिया गया है इसमें नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा स्टार, ये सही होगा। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, 3.7 बटे 8 इंच राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई आंसर नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न के लिए। हड़प्पा सभ्यता किसे कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता किसे कहते हैं? मुगल सभ्यता, गुप्त सभ्यता, मुगल सभ्यता, वैदिक सभ्यता, सिंधु सभ्यता, किसको कहते हैं? तो ये हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता को कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, सिंधु सभ्यता को हड़प्पन सभ्यता कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, इसको राइट आंसर आप लगाइएगा। अगला प्रश्न है 53 नंबर का, नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिलता है? मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो, राजघाट, कौशाम्बी, तक्षशिला, कहाँ से मिला हुआ है? तो ये है आपका मोहनजोदड़ो हड़प्पा से। नगरीय सभ्यता का सर्वप्रथम उदाहरण जो मिला हुआ है ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिला हुआ है। राइट आंसर ए लगाएंगे। टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है, इसमें सभी प्रश्न पूछे गए ही प्रश्न लिए गए हैं प्रैक्टिस सेट में। सिंधु सभ्यता में प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रमाणिक कितने स्थलों नगरों की संज्ञा दी जा सकती है? ये 2, 4, 6 और 8 कितने की दी जा सकती है? तो इसमें हो जाएगा 2 नगरों की संज्ञा दी जा सकती है। वैदिक सभ्यता में जो परिपक्व प्रमाणिक स्थल मिले हुए हैं उसमें 2 की संज्ञा दी जा सकती है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता के उत्खनन से कौन सा पुरातात्विक संबंधित है? ए के कुमार स्वामी, राखालदास बनर्जी, काल खंडावाला, एम एस रंधावा। तो ये संबंधित है कौन? राखालदास बनर्जी। राइट आंसर बी हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त राखालदास बनर्जी हो जाएंगे। ये भी पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? रुद्र दमन, राय बहादुर दयाराम साहनी, प्रतिहार नरेश भोज, गौतमी बलश्री। तो इसमें हो जाएगा राय बहादुर दयाराम साहनी। कहीं कहीं बुक में आपको दयाराम साहनी लिखा मिलेगा, पूरा नाम इनका है राय बहादुर दयाराम साहनी। बी राइट आंसर होगा, सिंधु घाटी सभ्यता। अगला प्रश्न 57 नंबर का, सिंधु घाटी सभ्यता में चित्र अवशेष ज्यादातर किस रूप में प्राप्त होते हैं? वर्तन, भित्ति चित्र, पांडुलिपि, इनमें से कोई नहीं। तो किसमें प्राप्त होते हैं ये? तो हो जाएगा बर्तन के रूप में, पाठ के रूप में प्राप्त होते हैं। ए राइट आंसर हो जाएगा, ज़्यादा सभ्यता में जो अवशेष प्राप्त हुए हैं किसमें? पाठ के रूप में प्राप्त हुए हैं, बर्तन के रूप में प्राप्त हुए हैं। सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? आज भी लोग पीपल की वृक्ष का पूजा करते हैं, नीम पे भी जल चढ़ाते हैं लोग। पीपल वृक्ष हो गया, नीम का वृक्ष हो गया, बरगद का वृक्ष, समी का वृक्ष, कौन सा हो जाएगा? तो सिंधुवासी किसकी? पीपल की पूजा करते थे। पीपल वृक्ष उस समय पूजनीय था सिंधु घाटी सभ्यता में। अगला प्रश्न है, भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र है कौन सा? अजंता हो गया, महाबलीपुरम हो गया, सिंधु घाटी की सभ्यता हो गया, खजुराहो हो गया। तो क्या हो जाएगा इसमें? सिंधु घाटी सभ्यता हो जाएगा। ये भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र है, सबसे पुराना केंद्र है। 60 नंबर का प्रश्न क्या आ रहा है इसको देखते हैं हम। सिंधु घाटी की कला का परिज्ञान होता है कहाँ पे होता है? हड़प्पन कला से, मोहनजोदड़ो की कला से, उपयुक्त दोनों स्थान से, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा तीसरा हो जाएगा, उपयुक्त दोनों स्थान से। सिंधु घाटी की कला का परिज्ञान किससे होता है? उपयुक्त दोनों स्थान से होता है। अगला प्रश्न है,
हड़प्पा मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंधित हैं? हड़प्पा मोहनजोदड़ो गुप्त, शुंग, मौर्य, सिंधु, किससे संबंधित हैं? ती हो जाएगा, डी हो जाएगा सिंधु। हड़प्पा मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंधित हैं? ती हो जाएगा सिंधु सभ्यता से संबंधित है, इसमें स्टार लगेगा। ऐसे तमाम प्रकार के प्रश्न दे दिए जाते हैं इसमें। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा सभ्यताएँ कहाँ स्थित हैं? पाकिस्तान, उर, भारत, मिस्र में। कहाँ पे स्थित हैं? तो ये हो जाएगा पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यताएँ कहाँ पे हैं? ये 2013 का आरपीएस का पूछा गया प्रश्न है, पाकिस्तान लगाइएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता किस अवधि की है? 3000 से 2250 ईसा पूर्व, 4000 से 3300 ईसा पूर्व, 2875 से 1100 ईसा पूर्व, 4000 से 3036 ईसा पूर्व। तो ये देखना है कौन सा है। तो इसमें आपका सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी जो पहले माना जाता है, इसकी अवधि थी 3300 से और 1300 ईसा पूर्व थी। तो 3300 से 1300 ईसा पूर्व हम लिख देते हैं आपका, देखते हैं 3300 से 1300 ईसा पूर्व ये माना जाता है, इतना ये सभ्यता थी जो कांस्य युगीन सभ्यता थी। और जो परिपक्व अवधि इसकी मानी गई थी वो 2600 से 1900 बाद यही थी सिंधु सभ्यता की। तो ये आपका हो जाएगा, इसमें भी आपका स्टार लगेगा, जो आपका ऑप्शन हो जाएगा नहीं है। तो 3300 से 1300 ईसा पूर्व इसमें लगाएंगे ईसा पूर्व, तो ये हो जाएगा राइट आंसर, इसमें किसी का नहीं होगा। और 3300 से 1300 ईसा पूर्व लगा के आगे बढ़ेंगे हम। TGT 2004 का प्रश्न है, बहुत ध्यान देना पड़ता है इसमें, क्योंकि इसी तरह से एग्जामिनर आपको परेशान करता है, उलझाने का प्रयास करता है। तो आपको एकदम अच्छे से क्लियर करके ही पढ़ना है। बैल की प्रसिद्धि आकृति मोहनजोदड़ो में किस रूप में मिलती है? पाषाण शिल्प, भित्ति शिल्प, ताम्र मोहर, टेराकोटा शिल्प। तो इसमें हो जाएगा टेराकोटा शिल्प, राइट आंसर लगा देंगे। 2021 में पूछा गया प्रश्न TGT का है, बेहतरीन प्रश्न है। कई बुकों में आप देखेंगे तो कई बुकों में कई तरह से मिलता है। तो ये 65 नंबर का प्रश्न था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा।